पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाने की शुरुआत की गई थी। 1970 में शुरू की गई इस परंपरा को 192 देशों ने खुली बाहों से अपनाया और आज लगभग पूरी दुनिया में हर साल पृथ्वी दिवस के मौके पर धरा की धानी चुनर को बनाए रखने और हर तरह के जीव जंतुओं को पृथ्वी पर उनके हिस्से का स्थान और अधिकार देने का संकल्प लिया जाता है। पूरी दुनिया 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाती है, लेकिन अमेरिका में इसे वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले पूरी दुनिया में साल में 2 दिन यानी 21 मार्च और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन 1970 से 22 अप्रैल को मनाया जाना तय किया गया। अर्थ डे का महत्व वैज्ञानिक होने के साथ साथ पर्यावरणीय ज्यादा है। इसे उत्तरी गोलार्ध के वसंत और दक्षिणी गोलार्ध के पतझड़ के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाने के पीछे अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन रहे। वो पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते थे और लोगों में जागरूकता के लिए कोई ना कोई राह बनाने की कोशिश करते रहते थे। कोविड-19 की वजह से दुनिया की 80% आबादी घरों में बंद है, कल कारखानों पर ताले लटके हैं, लेकिन इस वजह से एक ऐसी असंभव चीज हुई जिसके लिए विश्व के लोगों ने न जाने कितने जतन किए, वो है पर्यावरण का साफ होना। धीरे धीरे आबोहवा साफ होने लगी, नदियों का जल चमचमाने लगा, ओजोन की परत हील होने लगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी नेचर ऐसे ही खिलखिलाए, इसके लिए कोशिशें करनी होंगी। कम से कम महीने में एक बार स्वेच्छा से हम अपने उद्योगों को बंद रख सकते हैं, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा सकते हैं। इसके अलावा महीने में एक बार स्वेच्छा से कुछ देर के लिए लाइट्स ऑफ रख सकते हैं। नदियों में कूड़ा बिल्कुल ना डालें और ज्यादा से ज्यादा हर्बल चीजों का इस्तेमाल करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।